सावधानिक संकेतिक बोर्ड, रेलवे पटरी के बगल में बने सावधानिक संकेतिक बोर्ड का अर्थ क्या होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी अक्सर रेलगाड़ी की यात्रा करते समय चित्र में दिए गए तीर के आकार के पीले रंग के बोर्ड जो बाईं या दाईं तरफ इशारा करते हैं, ये सावधानिक संकेतिक बोर्ड होते हैं। बोर्ड ट्रैक पर विशेष प्रतिबंध और सतर्कता के आदेश के लिए होता है। तीर की दिशा उस ट्रैक को दर्शाती है जिस पर यह प्रतिबंध लागू होता है। ये बोर्ड आमतौर पर काले निशान के साथ पीले रंग का तीर दिखाते हैं। यह तीर जिस डंडे पर होता है वह काले और सफेद रंग की पट्टियों से बंधा होता है। पुराने जमाने में दो पीले लैंप इस पट्टी को रोशन करते थे जो सावधानी के संकेत को बताती थी, लेकिन अब ये बोर्ड ऐसे पेंट से कलर की जाती है जो कि रात में लाइट पड़ने पर चमकते हैं। ये बोर्ड गति संकेतक बोर्ड से 700 मीटर पहले या वास्तविक कार्यस्थल से 800 मीटर पहले लगाया जाता है। ये बोर्ड सिर्फ ट्रेन के ड्राइवर के लिए बनाए गए हैं। ट्रेन का ड्राइवर इसे देखते ही समझ जाता है कि आगे गति संकेतक बोर्ड लगा है और उसे ट्रेन को धीमा करना है। सिग्नल साइनिंग बोर्ड, रेल पटरियों के बगल में बने इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? आमतौर पर भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय रेलवे लाइन के बगल में तमाम साइन बोर्ड दिखाई पड़ते हैं। सुकून से बैठे यात्रा करते समय कभी हमारे दिमाग में ख्याल तो आता ही है कि इन साइन बोर्डों का क्या उपयोग होता है। इन्हीं में से एक है लंबे चौकोर काले बोर्ड का। ये बोर्ड जिस पर पीले रंग की दो हॉरिजॉन्टल मोटी लाइन ऊपर से नीचे की ओर बनी होती है और एक पीले रंग का गोला भी होता है। अब आपने इसे पहचान लिया, लेकिन आप इसका मतलब नहीं जानते होंगे। वास्तव में हम इसे सिग्नल साइनिंग बोर्ड कहते हैं। ये काले और पीले रंग से बने आयताकार बोर्ड हैं जो कि ट्रेन के ड्राइवर के लिए बनाया गया है। इस निशान का मतलब ये होता है कि आगे सिग्नल आने वाला है, जिसे देखकर ट्रेन के ड्राइवर आने वाले सिग्नल को देखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सिग्नल के हिसाब से ही ट्रेन को रुकने या धीरे करने का संकेत उसे सिग्नल बोर्ड से मिलता है। ज्यादा मोड़ या संकरे पहाड़ों या पठारी इलाकों में अक्सर ऐसे दो साइन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक बोर्ड मालगाड़ी के लिए जो कि सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगा होता है और दूसरा बोर्ड यात्री ट्रेन के लिए जो कि सिग्नल से 1000 मीटर पहले लगा होता है। वैसे इन साइन बोर्ड से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपके पास बैठे बच्चे इन बोर्डर्स का मतलब जरूर पूछते हैं और आप इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको बच्चों का मजाक बनना पड़ता है। नंबर 3, पीले रंग के सी, फा, डब्लू एल और डब्लू बी बोर्ड। इन बोर्ड्स को आपने रेल पटरियों के बगल में जरूर देखा होगा और आपने इनको हजारों बार देखा होगा, लेकिन इनका मतलब क्या है किसी को नहीं पता होगा। ये बोर्ड पीले रंग का चौकोर बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से सी, फा, डब्लू एल या डब्लू लिखा होता है। ये बोर्ड भी ट्रेन के ड्राइवर के लिए बने होते हैं। डब्लू एक सामान्य सीटी बजाने का सूचक है, जबकि डब्लू एल का मतलब है विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग और इसे हिंदी में सीफा लिखा जाता है जिसका मतलब है सीटी बजाओ फाटक। वास्तव में ये सीफा का बोर्ड किसी मानव रहित क्रॉसिंग पर 250 मीटर पहले लगाया जाता है, जिसे देखकर ड्राइवर समझ जाता है कि 250 मीटर दूर बिना किसी गार्ड के रेलवे क्रॉसिंग है और ये बोर्ड ड्राइवर को सीटी बजाने का आदेश देता है कि ट्रेन को सीटी बजाते हुए फाटक को पार करना है। इसी तरह डब्लू पी का बोर्ड आमतौर पर देखा जाता है जिसका मतलब है विसिल फॉर ब्रिज क्रॉसिंग, जो कि किसी पुल से पहले लगाया जाता है जो ड्राइवर को आदेश देता है कि आगे पुल है और सीटी बजाते हुए ट्रेन को पुल पार करना है। एंड नंबर 4, ट्रेन की आखिरी बोगी में एक्स का निशान। रेल की आखिरी बोगी में एक्स का निशान आखिर क्यों होता है? रेल की आखिरी बोगी में आपने एक बड़ा सा पीले रंग का एक्स जरूर देखा होगा जिसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। रेलगाड़ी के आखिरी डिब्बे पर कोई निशान जरूरी है ताकि उन पर नजर रखने वाले कर्मचारियों को पता रहे कि पूरी गाड़ी गुजर गई है। सफेद या लाल रंग से बना यह बड़ा सा क्रॉस आखिरी डिब्बे की निशानी है। इसके अलावा अब ज्यादातर गाड़ियों में अंतिम बोगी पर बिजली का एक लैंप भी लगाया जाता है जो रहकर चमकता है। पहले यह लैंप तेल का होता था पर अब यह बिजली का होता है। इस लैंप को लगाना नियमानुसार आवश्यक है। नंबर 5, ट्रेन की आखिरी बोगी पर एलवी का छोटा सा बोर्ड। ट्रेन की आखिरी बोगी या आखिरी डिब्बे पर अंग्रेजी में काले या सफेद रंग या लाल और सफेद रेंज का एलवी लिखा एक छोटा सा बोर्ड भी लटकाया जाता है। एलवी का मतलब है लास्ट व्हीकल।
यदि किसी स्टेशन या सिग्नल केबिन से कोई गाड़ी ऐसी गुजरे जिस पर लास्ट व्हीकल ना हो तो माना जाता है कि पूरी गाड़ी नहीं आ पाई है। ऐसे में तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू की जाती है और मामला बड़ा ही सीरियस हो सकता है। क्या होता है जब ट्रेन खींची जाती है? आधुनिक ट्रेनों में जैसे ही आप ट्रेन खींचते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम पाइप में प्रवेश करने वाली हवा की ताकत दबाव के कारण पाइप खुल जाता है, जिसके फलस्वरूप दबाव में काफी गिरावट आ जाती है। पुराने दिनों में वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था इस चीज के लिए। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेन के डिब्बों के नीचे ब्लॉक पिस्टन में कसाव होता है, बाद में ट्रेन के पहिए पर ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया 110 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए 2 से 4 मिनट की अवधि लगाती है। इस गिरते एयर प्रेशर को ड्राइवर भी देख सकता है अपने एयर प्रेशर गॉज के जरिए। फिर ड्राइवर भी ट्रेन को रोकने में मदद करता है जिससे कि ट्रेन आसानी से रुक जाए। गार्ड से कंपार्टमेंट में भी एयर प्रेशर गॉज होता है जिसे उसे भी ट्रेन रुकने का संकेत मिल जाता है। जब एयर प्रेशर गिरने लगता है तो ड्राइवर 2 छोटी और 1 बड़ी सीटी जाता है। ये सीटी बजाकर ड्राइवर ट्रेन के गार्ड्स और टीटी को बता देता है कि ट्रेन चेन पुलिंग की वजह से रोकी जा रही है। फिर आमतौर पर असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड उस कोच को ढूंढते हैं जहां से चेन खींची गई है। उस कोच का वॉल्व बंद हो जाता है जहां अलार्म चेन खींचा गया है और उस कोच के वॉल्व को खोलते हैं और एयर प्रेशर प्रणाली से फिर से हवा का दबाव बनाता है और सभी कोचों के ब्रेक खुल जाते हैं और ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है। इस बीच टीटी और रेलवे पुलिस और सीआरपी उन लोगों की तलाश करती है जिन्होंने चेन पुलिंग की है, उनकी खाट खड़ी करती है बिना किसी वजह अगर चेन खींची गई है। नंबर 7, टीजी और टीपी बोर्ड का मतलब। आपने ट्रेन में सफर करते हुए टीजी टीपी का गोल पीले रंग का बोर्ड तो जरूर देखा ही होगा। टीजी की फुल फॉर्म टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स, इसी तरह से टीपी की फुल फॉर्म टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर पैसेंजर। ये बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को दिखाने के लिए होता है जिससे ड्राइवर को पता चल सके कि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस की सीमा खत्म हो गई है और अब ड्राइवर ट्रेन को अपनी फुल स्पीड में चला सकता है। और ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन ट्रैक को अंडर रिपेयर प्रोसेस या फिर ट्रैक में किसी कमी की वजह से लगाए जाते हैं और ऐसे ट्रैक पर ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टीजी और टीपी बोर्ड से पहले गति सूचक बोर्ड लगा होता है जो ट्रेन की गति को सीमित करवाने के लिए लगा होता है और गति सूचक बोर्ड से 800 मीटर पहले सावधानी संकेतिक बोर्ड होता है जिसको देखकर ट्रेन का ड्राइवर समझ जाता है कि आगे ट्रैक ठीक नहीं है और उसे ट्रेन को गति सूचक बोर्ड पर लिखी सीमा के तहत कम करनी होती है। टीजी और टीपी बोर्ड ज्यादातर ट्रैक के लेफ्ट साइड पर लगे होते हैं। टीजी गुड्स यानी मालगाड़ी के ड्राइवर के लिए लगा होता है और टीपी पैसेंजर यानी यात्री गाड़ी के ड्राइवर के लिए लगा होता है। ड्राइवर इन बोर्ड्स को देखकर अपनी स्पीड